आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। हमें उम्मीद है कि आप पिछले सप्ताह के एपिसोड से प्रेरित और प्रोत्साहित जरूर हुई होंगी। हमें उम्मीद है कि यह शो आपको ये समझने में मदद कर रहा है कि परमेश्वर कौन है और वह कैसे चाहता है कि हम आशा भरी नारी बन सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, खासकर दोस्ती के बारे में। इस बारे में हम आजीवन पारस्परिक रूप से पूर्ण करने वाली मित्रता कैसे विकसित कर सकते हैं जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने। आज हम एक और रिश्ते की ओर बढ़ते हैं, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता। आपको याद होगा कि जब हमने माँ की भूमिका के बारे में बात की थी, तब हमने इसे संक्षेप में संबोधित किया था। आज हम इस रिश्ते की क्रियाकलापों में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और कुछ व्यवहारिक पहलुओं को संबोधित करते हैं, विशेष रूप से माता पिता और बड़े बच्चों से संबंधित, किशोर बच्चे जो अपने घरों से बाहर जा रहे हैं उनके विषय में, और अधिक स्वतंत्र हो रहे हैं इस बारे में, और विवाहित बच्चे। हम थोड़ी सी नाट्य परिकल्पना को देखेंगे। आज हमारे साथ माँ बच्चे की दो जोड़ी हैं जो वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ने जा रहे हैं और आज हमारी इस पूरे विषय को समझने में मदद करेंगे। आपका आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम एक गेम खेलने जा रहे हैं। यह गेम यह परखने के लिए है कि आप दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। क्या आपने वो कहावत सुनी है, माँ सबसे अच्छी तरह जानती है? हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं कि क्या माँ वास्तव में सबसे अच्छी तरह जानती है या यदि बच्चा बेहतर जानता है। चलिए देखते हैं। मैं कुछ प्रश्न पढ़ूंगी और आप दोनों को एक दूसरे के बारे में उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। हम देखेंगे कि आपके उत्तर मेल खाते हैं या नहीं। कोई एक दूसरे की मदद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। आप दोनों के साथ ठीक है? तो आपके लिए आपका पहला प्रश्न, आपके बच्चे का पसंदीदा भोजन क्या है? मेरे बच्चे का पसंदीदा भोजन पिज्जा है। अब बेटा आपके लिए पहला प्रश्न, आपकी माँ का पसंदीदा खाना क्या है? मेरी माँ का पसंदीदा खाना है कढ़ी चावल। अगला प्रश्न बेटा दोबारा आपसे है, आपकी माँ किससे डरती है? मेरी माँ सबसे ज्यादा वैसे तो किसी से नहीं डरती, लेकिन फिर भी छिपकली उससे बहुत ज्यादा डरती है। अब ये प्रश्न माँ से है, बच्चा किससे डरता है? सबसे ज्यादा ये तो अपने पापा से ही डरती है। बेटे आपकी माँ का जन्म कहाँ हुआ था? मेरी माँ का जन्म उनके होम टाउन उत्तरांचल में हुआ था। बच्चे की पसंदीदा हस्ती कौन है? सबसे ज्यादा स्नेहा को चेतन भगत पसंद है। बेटे आपकी माँ को क्या करने से सबसे ज्यादा नफरत है? मेरी माँ को सबसे ज्यादा नफरत है झूठ बोलने से और किसी पे चिल्लाने से। मतलब अगर उनको दिख गया कोई किसी पे चिल्ला रहा है तो वो भी बस खुद को रोक नहीं पाती। अगला प्रश्न माँ से, बच्चे को क्या करने से नफरत है? सुबह सुबह उठना स्नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती है ना? बेटे माँ गुस्से में सबसे ज्यादा क्या कहती है? मेरे को बोलती है वो सबसे ज्यादा गुस्से में कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। माँ किसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है? मेरी माँ सबसे बड़ी ताकत मुझे मानती है। अगला प्रश्न माँ से, बच्चे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए बच्चे की सबसे बड़ी ताकत उसका फैमिली सपोर्ट होता है और स्नेहा के लिए भी उसके परिवार का सपोर्ट उसकी सबसे बड़ी ताकत है, मैं तो यही मानती हूँ। बच्चे में माँ का पसंदीदा गुण क्या है? मेरी माँ में सबसे पसंदीदा गुण है ऑनेस्टी, जिसको बोलते हैं ईमानदारी। बेटे माँ जब अकेली होती है तो उसे क्या करना पसंद होता है?
मम्मी जब अकेले होती है तो उनको दुआ प्रार्थना करना ज्यादा पसंद है। इतने स्पोर्टी और ईमानदार होने के लिए दिल से बहुत धन्यवाद। इसमें सच में आज बहुत मजा आया और उम्मीद करती हूँ कि इस गेम से, इस खेल से आपको भी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा जो रोजमर्रा के जीवन में आप नहीं बोल पाते होंगे। माता पिता की भूमिका समाज के कामकाज में महत्वपूर्ण निर्माण खंड है। यदि माता पिता के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो यह ना केवल हमारे परिवारों और समाज की नींव को तोड़ता है बल्कि परमेश्वर के राज्य को भी प्रभावित करता है। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे बच्चे पहले परमेश्वर के होते हैं। हम भंडारे हैं जिन्हें उन्हें इस तरह से पालने की जिम्मेदारी दी गई है, जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया है उसे पूरा करने में उनकी सहायता करते हैं। चार्ल्स स्पर्जन ने माताओं की भूमिका के बारे में यह कहा है, आप अपने बच्चों की देखभाल कर उन्हें परमेश्वर के भय में प्रशिक्षित करने और घर पर ध्यान देने और अपने घर को परमेश्वर के लिए एक चर्च बनाने में परमेश्वर की सेवा कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसा कि यदि आपको बुलाया जाता है सेनाओं के यहोवा के लिए लड़ने के लिए एक सेना का नेतृत्व करने के लिए, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? अक्सर हम अपने घर के कामों में और रोजमर्रा के संघर्षों में फंस जाते हैं और यह बड़ी तस्वीर देखने में असफल हो जाते हैं कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करने के लिए बुलाया गया है। क्या हमें एहसास होता है कि जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और शिष्य बनाते हैं तो हम मसीह की देह का निर्माण कर रहे हैं? जब हम अपने बच्चों और अपने जीवन साथी को प्रार्थना में प्रभु के पास उठाते हैं, परमेश्वर के राज्य के विस्तार में माता पिता के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है। हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम सब अभी भी पापी हैं और हम हर दिन पाप से संघर्ष करते हैं और हमें हर समय परमेश्वर के अनुग्रह और क्षमा की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि इस तथ्य के बारे में जागरूक रहने से हमारे माता पिता होने का तरीका बदल जाता है? स्पर्जन ने कहा, बच्चे को उसी तरह से प्रशिक्षित करें जिस मार्ग पर उसे जाना चाहिए, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप स्वयं उस रास्ते पर जाएं। विशेष रूप से जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे बच्चों को मॉडल बनाने का एक सही उदाहरण स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है ना? आखिरकार आचरण शब्दों से ही ज्यादा जोर से बोलता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि माता पिता का लक्ष्य बच्चों को आत्म जिम्मेदारी के लिए तैयार करना और परमेश्वर के प्रति उनके अधिकार और जवाबदेह बनने में है। कभी कभी हम उस पर से दृष्टि खो देते हैं, है ना? इफिसियों 6:4 कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अपने बच्चों को भड़काने के तरीके क्या हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के रूप में क्या कभी कभी हम अपने माता पिता को सम्मानित करने की आज्ञा को समाप्ति तिथि के साथ मानते हैं? हमें लगता है कि एक बार जब हम अपने बचपन के घरों से बाहर निकल जाते हैं या एक बार हमें जब नौकरी मिल जाती है या शादी हो जाती है तो हमें इस आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। किशोरावस्था में बच्चों का विद्रोही दौर से गुजरना काफ़ी सामान्य है। क्या आप खुद या अपने बच्चों के साथ ऐसे दौर से गुजरे हैं? बच्चे अक्सर यह गलत समझते हैं कि उनके माता पिता उनके दृष्टिकोण को नहीं देखते हैं। क्या इस तरह के विचारों में कोई सच्चाई है या क्या यह जिम्मेदारी लेने के बजाय माता पिता को दोष देने का एक आसान तरीका है? क्या आपको लगता है कि माता पिता और बच्चों के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होना और एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना संभव या व्यवहारिक है जैसा कि वे अपने दोस्तों के साथ उस किशोरावस्था यानी कि 20-22 साल की उम्र में करेंगे? हम इस तरह के माहौल को कैसे सगम बना सकते हैं और इस तरह के रिश्ते को कैसे विकसित कर सकते हैं? अक्सर माता पिता के रूप में हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो भी कर रहे हैं इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है,
अधिकतर यह एक सुरक्षात्मक उपाय है। हम नहीं चाहते कि उन्हें चोट लगे, चाहे वे बहुत छोटे हों या बड़े, लेकिन वह नियंत्रण उन्हें कभी कभी बाधित कर सकता है ना? लेकिन साथ ही माता पिता के रूप में अत्यधिक उदार होना हमेशा सहायक भी नहीं होता है। यह एक अच्छा संतुलन है जिसे हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक ऐसा संतुलन जिसमें सही प्रकार की सीमाएं निर्धारित प्राप्त करने में केवल परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इस अगले भाग में हम विवाहित बच्चों और उनके परिवारों के साथ व्यवहार करने के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ बुनियादी नियम क्या हैं जिन्हें माता पिता को याद रखना चाहिए या सहज संबंध सुनिश्चित करने के लिए लागू करना चाहिए। माता पिता और ससुराल वालों के साथ संबंधों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बच्चे शादी के बाद या तैयारी में क्या कर सकते हैं। जब चार लोग साथ रहते हैं तो मतभेद होना लाजमी है। हम टकराव से बच नहीं सकते हैं, यह जानते हुए कि इसके कितने अलग अलग कारक हैं। परिवार ऐसे मतभेदों से कैसे निपट सकते हैं? जिस तरह का प्यार पहला कुरिन्थियों 13 में बताया गया है, यह किसी भी रिश्ते को जोड़ने और बनाए रखने की कुंजी है, यहाँ तक कि हमारे माता पिता और बच्चों के साथ भी। क्या ये नहीं है? परमेश्वर के वचन की भूमिका हमें यह समझने में मदद करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम अपने बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। मसीह की नम्रता के उदाहरण को आदर्श बनाना किसी भी रिश्ते का एक बड़ा हिस्सा है, और माता पिता और बच्चे अलग नहीं हैं। और अंत में प्रार्थना, यह पहेली का अंतिम टुकड़ा है और यह वो है जो सब कुछ एक साथ लाता है। दुख और खुशी के समय, जरूरत के समय और बहुतायत के समय में प्रार्थना हमारी प्रथम प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त विषय बिंदुओं के बारे में, जिनमें से पहला है भंडारी के रूप में माता पिता। बच्चे पहले प्रभु के होते हैं, यह एक उच्च कॉलिंग और जिम्मेदारी दोनों है, और हमें उन्हें बहुत कसकर ना पकड़ने की याद दिलाने की चेतावनी भी है। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, सही तरीके से जीना सिखाने के लिए उनके लिए एक आदर्श बन सकते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत है और वे अपने स्वयं के विकल्प और उनके परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। अब दूसरा विषय बिंदु माता पिता के रूप में नियंत्रण। आधिकारिक बनाम स्वतंत्रता देने वाला पालन पोषण हर पीढ़ी को बनाता है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बहुत अधिक नियंत्रण करना। माता पिता के रूप में हमारा लक्ष्य उन्हें आत्म जिम्मेदारी की स्थिति और उसकी ओर बढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए और एक उच्च अधिकार के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए, स्वयं परमेश्वर का अधिकार। क्या माता पिता के रूप में यही हमारा अंतिम लक्ष्य है? दूसरे शब्दों में, यदि आपका बेटा चर्च जाता है तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके पास मसीह की सेवा करने और साथ ही विश्वासियों के साथ जुड़ने की हार्दिक इच्छा है, इसलिए नहीं कि आप उसे जाने देते हैं। यदि वह ड्रग्स और शराब से दूर रहता है तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह मादक द्रव्यों का सेवन, नकारात्मक परिणामों और उन सारी बातों को अच्छे से समझता है और अपने शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में सम्मानित करना चाहता है। यदि वह सप्ताह की रातों में एक अच्छे समय पर सोता है तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह अगली सुबह स्कूल या काम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना चाहता है, इसलिए नहीं कि वह एक लागू कर्फ्यू से जुड़ा हुआ है। एफेसियों 6:4 और कुलुसियों 3:21 में बच्चों को भड़काने के विषय में लिखा है, हमारे उद्देश्यों की जांच करें जब हम क्रोधित होते हैं क्योंकि बच्चों ने हमारा कहना नहीं माना। जब वे हमारी अवज्ञा करते हैं या हमारी अवहेलना करते हैं तो क्या हम आहत या डरा हुआ महसूस करते हैं, या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं? देखें कि आपने जो सीमाएं निर्धारित की हैं वे कितनी यथार्थवादी हैं। क्या वे आवश्यक हैं या क्या वे अनावश्यक रूप से कठोर हैं? अक्सर हम सीमाएं निर्धारित कर देते हैं या अपेक्षाएं रखते हैं क्योंकि समाज यही अपेक्षा करता है, यही यथास्थिति है। कभी कभी आपको उस पर सवाल उठाने की जरूरत होती है।
बड़े बच्चों के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक होना भी नियंत्रण का एक रूप है। उन्हें अपनी पसंद और निर्णय लेने की आजादी और भरोसा दीजिए, भले ही वे सही ना हो। आप अपनी राय साझा करते हैं, उसके अच्छे और बुरे को बताएं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की अनुमति दें, भले ही वे छोटे हों। उन्हें अपनी पसंद के प्राकृतिक परिणामों का सामना करने दें। यह हमारे बच्चों को अधिक जिम्मेदार होने के लिए सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप उन्हें प्रार्थना में शामिल जरूर करें। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभाव वाली होती है। याकूब 5:16 में ऐसी ही बात लिखी हुई है। अब बात करते हैं माता पिता का सम्मान करने के बारे में। निर्गमन 20:12, इस आदेश की कोई आयु सीमा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम वयस्क हो जाते हैं, जब हमें नौकरी मिल जाती है, हम अपने दम पर जीने लगते हैं, शादी कर लेते हैं, कि हम अपने माता पिता के साथ प्यार या सम्मान के बिना बात करने लगे। एक दूसरे के दोस्त की तरह व्यवहार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। माता पिता के साथ तर्क अक्सर इस सोच के कारण आते हैं कि हम बेहतर जानते हैं या वो हमें समझने में अभी असमर्थ है। जेनरेशन गैप को एक बड़ा मुद्दा बनाने से बचें। अपने माता पिता की सलाह लेने के लिए नम्र होना जरूरी है और ऐसा करना होगा। उनके पास जीवन का अनुभव और दिल में आपके सर्वोत्तम हित है। वे आपसे प्रेम रखते हैं। दूसरे से अपने समान प्रेम का मतलब है बलिदान करने के लिए तैयार होना। आइए अब बात करते हैं विवाहित बच्चों के साथ व्यवहार करने की। ससुराल वालों के साथ व्यवहार करना, माता पिता के साथ विवाहित बच्चों के रूप में व्यवहार करना, एक अलग पारिवारिक ढांचा जिसका सिर परमेश्वर है। वे अब आपके प्रति जवाबदेह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों के रूप में हम माता पिता के साथ सभी संबंध तोड़ लेते हैं। हमारे वयस्क बच्चों की पसंद और व्यवहार की आलोचना करना बनाम बच्चों के रूप में सुधार करने के लिए नम्रता रखना। आपके बच्चे माता पिता के तरीके को चुनते हैं या चीजों से अलग तरीके से निपटते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपके माता पिता के तरीके की आलोचना करते हैं। यह हमेशा व्यक्तिगत नहीं होता है। अपने बच्चों की पसंद का सम्मान करें प्रियो। अपने बच्चों को अपने और अपने जीवन साथी या ससुराल वालों के बीच चयन ना करने दें। बच्चों के रूप में अपने माता पिता और ससुराल वालों की बात सुनने और उनकी सलाह लेने के लिए तैयार रहें। उनके जीवन के अनुभव को बहुत बहुमूल्य समझिए। उनकी बातों पर भी विचार करने के लिए तैयार रहिए। उनकी सलाह का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि वे आपकी आलोचना कर रहे हैं। अपने संबंधियों और ससुराल या मायके वालों के बारे में गपशप करने और आलोचना करने से बचें। अब बात करते हैं मतभेद को कैसे संभालें। विशेष रूप से भारतीय घरों में बहुत से लोग बस इसे अनदेखा कर देते हैं। इन मुद्दों से बहुत ज्यादा बचते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, हमें ईमानदार रहने की जरूरत है। खुद को एक तरफ रख दें और आप सभी क्या सोचते हैं इस बारे में ईमानदारी से बातचीत करें, ईमानदारी को प्रोत्साहित करें। एक माता पिता ने साझा किया था कि जब उनके बच्चे छोटे थे तो वे खुद आकर स्वीकार करते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो वे उनको दंडित या उन्हें किसी तरीके से डांटते नहीं थे। हर आयु वर्ग में आपकी अपेक्षाएं यथार्थवादी हों। बचपन, किशोरावस्था, 20 के दशक की शुरुआत, एक बार जब वे चले जाते हैं, शादी के बाद खास करके किशोरावस्था में बच्चों का विद्रोही होना स्वाभाविक है। स्वतंत्रता की अनुमति जरूर दें और उन पर भरोसा करें। खुली बातचीत का अभ्यास करें और प्रोत्साहित करें। जनरेशन गैप के आसपास काम करने के लिए सचेत प्रयास करें। धैर्य रखें, क्षमा करें, अनुग्रह दिखाएं, द्वेष ना रखें। दोनों पक्षों से कभी भी द्वेष ना रखें। 1 कुरिन्थियों 13:13 और 11 में भाइयों और बहनों, आनंदित हो, पूर्ण बहाली के लिए प्रयास करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक मन के हो, शांति से रहें और प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। जैसा कि किसी भी
अन्य संबंध के साथ होता है, मसीह को केंद्र में होना चाहिए। क्या आपके पास कभी ऐसा क्षण आया जब आपने बहुत सोचा हो, मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, क्या करना है, जब ऑनलाइन बहुत सारी परस्पर विरोधी सलाहें होती हैं, तो हम केवल प्रभु पर ही भरोसा कर सकते हैं, है ना दोस्तों? लगातार प्रार्थना में प्रभु के समक्ष अपने बच्चों को उठाए रखें, खुद को परमेश्वर के वचन में डुबोकर बाइबल के सिद्धांतों को उपजाने के द्वारा बच्चों का पालन पोषण करें, और हमारे माता पिता और आप सबके माता पिता के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, और आप दोनों सक्रिय रूप से यदि प्रभु की इच्छा खोजेंगे तो अपने मतभेदों में से कुछ को मिटा जरूर पाएंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको एक बार फिर से ये मौका दिया कि आपके वचन के द्वारा समझ सकें कि किस तरह से माता पिता और बच्चों के रिश्तों पर कार्य करना है, और इसके साथ साथ दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इसको देख रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन परमेश्वर हम केवल सुनने वाले नहीं पर हम अपने जीवन में अमल करने वाले भी बन सकें, और आज जो जो हमने साझा किया है, जो जो हमने सीखा है, वो अपने जीवन अपने इस रिश्ते में लाकर आपके नाम को महिमा देने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।
मुझको है पता आशा भरी नारी ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।